कोटा संभाग के किसानों के लिए खुशखबर है। राज्य सरकार के निर्देश पर कोटा संभाग में 16 अप्रैल से किसानों से रबी की फसल की खरीद शुरू होगी। इसमें किसान जो गेहूं चना को समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे, लेकिन प्रदेश के दूसरे जिलों में यह खरीद 1 मई से शुरू होगी। ये जानकारी देते हुए सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार ने बताया कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके, इसके लिए उपज बेचान केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। पूर्व में 279 केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद होती थी, जिसे बढ़ाकर अब 388 किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में 488 निजी गौण मंडियां और 420 ग्राम सेवा सहकारी समितियां भी क्रियाशील हो जाएंगी। इसके साथ ही सरकार ने नई प्रोसेसिंग यूनिट को लाइसेंस देने का भी निर्णय लिया है। प्रदेश में फिलहाल 1000 प्रोसेसिंग यूनिट काम कर रही है। इन सभी यूनिट को भी किसानों की उपज खरीद के लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इस दौरान गंगवार ने पंत कृषि भवन में वीसी से अधिकारियों से फीडबैक लिया और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया।